अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो गई है और आज लंच में स्पेशल बना था भाजी की दाल और खाना है, और साथ में यहाँ पर है चिकन फिंगर्स एंड साथ में है यहाँ पे बैगन जो कि फ्राइड बैगन होते हैं एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। और साथ में है आम का अचार, बहुत ही टेस्टी, और ये फ्रेश अचार है जो आंटी घर पे बनाते हैं, इंस्टेंट अचार, और यहाँ पे है बढ़िया। तो फ्रेंड्स, ये था आज हमारा लंच का मेन्यू एंड अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने लंच एंजॉय कर लिया। और आज हम लोग इवनिंग में निकले थे बाहर, और आज यहाँ पे एक मार्केट देखने के लिए हम लोग आए थे, और यहाँ पर देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा सा मार्केट है यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें भी बहुत सारी ऑफर में थी एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हम लोगों को। एक मॉल टाइप था, बट ये एक जैसे हमारे पास एक्सपो लगते हैं ना, उस तरह का एक्सपो टाइप था फ्रेंड्स। और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट ये थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है, बट कभी कभी लग जाता है कुछ इस तरह के ऑफर वाले एक्सपोज लगते हैं हमारे पास, जैसे एग्जीबिशंस वैसा लगते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप में था। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी, स्टॉल्स अवेलेबल थी फ्रेंड्स। और आंटी यहाँ पे ये वाला मिक्सर देख रहे थे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एंड यहाँ पे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी और अलाइना यहाँ पर है, एंड ये वाला मशीन देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ना केक बेक करते हैं ना उनके लिए है, बहुत ही बड़ी मशीन थी एंड इसमें मिक्सर भी था और केक क्रीम जो बनाते हैं ना उस तरह का, ये वाली मशीन थी एंड ये भी ऑफर प्राइस में चल रही थी। और साथ में यहाँ पे ना मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, ये देख सकते हैं कॉफ़ी मशीन है फ्रेंड्स, और इसका प्राइस था 350 दिरहम एंड आई थिंक इंडिया के 6-7 हज़ार, एंड बहुत ही अच्छी लग रही थी फ्रेंड्स, देखने में काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश भी थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी थे फ्रेंड्स। और सच में मुझे कॉफ़ी मशीन बहुत पसंद है एंड यह हाँ मल्टी यूज़ करना तो नहीं आता है, बट आई थॉट कि कभी लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत बड़ा इस तरह का ढेर लगा था जहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें थी, जहाँ पे कहीं बैग्स की स्टॉल्स थी, कहीं मेकअप का स्टॉल था, और ये एक मेकअप की शॉप थी, यहाँ पे सारे ब्रांडेड मेकअप्स मिल रहे थे, बट कॉपी ओके शैनल कॉपी है, एंड यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के ब्रांड्स थे, हुडा ब्यूटी कह लीजिए, एंड दीज आर कॉपीज नॉट ओरिजिनल प्रोडक्ट्स लाइक दिस सी लॉरियल इनफैलिबल, ये सारे प्रोडक्ट्स थे, मे बी ओरिजिनल भी हो सकते हैं बट मुझे तो थोड़े बहुत कॉपी प्रोडक्ट्स ही लगे। एंड यहाँ पे ये वाली स्टोर बहुत ही अच्छी लग रही थी, जहाँ पे ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी, अरेबिक ज्वेलरी कह लीजिए एंड पेंडेंट सेट्स, नेकलेस सेट्स, और बहुत ही सारे ऑप्शंस थे यहाँ पे फिंगर रिंग्स के, एंड साथ में बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे फ्रेंड्स। Thank you.
फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और आज हम लोग जा रहे थे खुरफा खान और यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं बर्ड सेंचुरी। बर्ड कंजर्वेशन देखने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे थोड़ा बहुत बर्ड शो भी होगा, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आ जाइए। हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पर देख सकते हैं ये है कलवा बर्ड ऑफ प्रे सेंटर। तो चलिए अंदर चलते हैं और आप यहाँ पे ईगल शो होता है फ्रेंड्स, तो चलिए एंजॉय करते हैं और देखते हैं अंदर कौन से बर्ड्स हैं। وحد وهي ميزة تسهل علي إزالة الأجزاء الأخيرة من الأنسجة بين العظام، يعد الوجه خالي من الريش مفيدا لأغراض التنظيم الحراري وكذلك لمنع التصاق جزيئات الطعام بالريش. تتواجد رقم المصرية في جنوب أوروبا وآسيا وشمال أفريقيا. Because of this heaviness, you don't get to see them flying like other birds of prey in the wild. They usually like turtles, the wind. So the wind is high, they take off and they keep the wings open, they keep soaring. And when they find something dead, that's when they land. For all, most of the old world vultures, they all find food by sight. The lifespan is up to 50 years, they live quite long, in captivity they can live even more. And because of this long lifespan, they lay only one egg in a year and incubate the egg for 55 days, approximately up to 2 months. And interestingly, both parents equally take turns in incubating and raising the chicks. Oi, 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 oi.
देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ईगल्स ओल्स थे और इस ईगल ने 1 वीक में 1 किलो चिकन मटन खाती है। साल में सिर्फ 1 अंडा देती है और इनकी उम्र कभी 100 ईयर्स होती है, कभी 80 ईयर्स होती है। एंड यहाँ पे इनका कंजर्वेशन था और उसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया कल्बा और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। फ्रेंड्स, आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।